हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर डिफरेंस थ्योरी जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पार्ट है नाउ जेंडर डिफरेंस थ्योरी आल्सो नोन एज एसेंशियलिज्म और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म अभी तक आपने जब भी जेंडर डिफरेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने मोस्टली यही वर्ड सुना होगा कि जेंडर डिफरेंस होता है लेकिन इसको एसेंशियलिज्म या फिर बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं और इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी यानी कि जो डिफरेंस मेन एंड वुमेन में होता है सोसाइटी में वो बेसिकली बायोलॉजिकल और जो इनहेरिटेट डिसमिलैरिटीज है उसकी वजह से होता है मतलब कि हमारा जो बायोलॉजिकली जो चीज़ें हैं उसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस है वो अभी देखने को मिलता है बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी थोड़ा सा रुक जाइए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दिस सजेस्ट दैट बायोलॉजिकल सच एज हॉर्मोन्स ब्रेन स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स आर द फंडामेंटल फैक्टर्स शेपिंग जेंडर रूल्स बिहेवियर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ना ये जो थ्योरी है ना जेंडर डिफरेंस की इसके दो पार्ट है ठीक है तो जो पहला पार्ट है विच इज डीलिंग विद द एसेंशियलिज्म वो यही कहता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चाहे हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन हुए चाहे हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हुआ चाहे हमारी जेनेटिक्स हुए ये चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रोल्स को डिटरमाइन करने में हमारी कुछ ऐसे रोल्स को शेप करने में जो भी हमारे सोसाइटी में दिखते हैं जो हमारा बिहेवियर होता है ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन होता है ठीक है ना जेंडर डिफरेंस थ्योरी इज अ सोशोलॉजिकल थ्योरी दैट आर्ग्यूज दैट देर आर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर बायोलॉजी एंड देयर सोशल रोल्स ये डिफरेंस थ्योरी ये बोलती है कि बहुत मतलब यू नो डिफ्रेंस होता है मैन और वुमेन में चाहे आप बायोलॉजी के टर्म्स में बात करें चाहे आप सोशल रोल्स के टर्म्स में बात करें बट देर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन ठीक है एंड ये जो थ्योरी है इसको यूज किया गया है समझाने के लिए क्या जेंडर बेस्ड फिनोमिना यानी कि अगर आप समझना चाहते हैं जेंडर से रिलेटेड फिनोमिना तो उसको समझाने के लिए इस थ्योरी को यूज किया गया है इंक्लूडिंग डिविजन ऑफ लेबर जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर इनइलिटी ठीक है कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझाने के लिए इस थ्योरी को यूज किया गया है ना ये बात ध्यान रखनी है कि जेंडर डिफरेंस थ्योरी के दो पार्ट हैं फर्स्ट है एसेंशियलिस्ट एंड सेकेंड है कंस्ट्रक्शनिस्ट नाउ इनको

एसेंशियलिस्ट कहती है कि जो भी हमारे में डिफरेंस हैं जेंडर में वो हमारे बायोलॉजी की वजह से हैं और सोशल कंस्ट्रक्ट सॉरी कंस्ट्रक्शनिस्ट कहती है कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो सोशल फैक्टर्स की वजह से हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द एसेंशियलिस्ट थ्योरी Essentialist theories of gender difference argue that there are fundamental biological differences between men and women that lead to different behavior and personalities. So ये थ्योरी जो है जेंडर डिफरेंस की ये आर्ग्यू करती है कि बिल्कुल फंडामेंटल difference होता है men और women में जिसकी वजह से डिफरेंट बिहेवियर्स एंड personalities देखने को मिलती है ठीक है ये जो थ्योरी है ये भी कहती है कि हमारा जो इवोल्यूशनरी psychology है मतलब ये ये बोलती है कि जिस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है या जो डिफरेंसेस देखने को मिले हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है ना नेचुरल सिलेक्शन ऑल दो बायोलॉजी का कंसेप्ट है बट नेचुरली सिलेक्शन में क्या होता है कि नेचर क्या चीज़ सेलेक्ट करता है नेचर कोशिश करता है फिट चीज़ों को सेलेक्ट करने की तो हमारे जो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो जो नेचर ने धीरे धीरे सेलेक्ट करे हैं उसके बेसिस पे आज हम डिफरेंस देखते हैं सो एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ एसेंशियलिस्ट थ्योरी आर्ग्यू करते हैं थ्योरिस्ट जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि मैन आर नेचुरली मोर एग्रेसिव कि जो मेल होते हैं मेन होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं मतलब गुस्सा आता है उनको बहुत ही जल्दी एंड वो कम्पिटेटिव होते हैं एंड वुमेन्स uh, मतलब वुमेन के कंपेरिजन में क्योंकि ये जो फ़ीचर्स थे एग्रेसिवनेस एंड कम्पिटिटिवनेस वो उनको काफ़ी यूज़फुल रहते थे जब वो हंटर गैदर सोसाइटी का पार्ट थे यानी जब दे यूज़ टू हंट एंड दे यूज़ टू गैदर मास मीट जो भी खा इकट्ठा करते थे तब उनको ये चीज़ों ने बहुत हेल्प करी ज आरग्यूज दैट वुमेन्सरली मोर नर्चरिंग एंड केयरिंग देन मैन बिकॉज दीज ट्रेट वटेजेस फॉर वुमेन इन चाइल्ड रेयरिंग सोसाइटी तो कई ऐसे थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो वुमेन है वो नर्चरिंग होती है वो ज्यादा नर्चरिंग होती है एंड केयरिंग होती है मैन के कंपेरिजन में क्योंकि ये जो ट्रेड्स है ना ये उनको बचपन जब शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था सोसाइटी तब चाइल्ड रेयरिंग सोसाइटीज मतलब वुमेन बच्चों को ध्यान रखती थी और मेल जाके हंट एंड गैदर करते थे तो ये थ्योरी वाले लोग कहते हैं यानी ये थ्योरी ऐसा बिलीव करती है फिर दूसरा पार्ट जो है इस सोशल डिफरेंस का सॉरी जेंडर डिफरेंस का उसमें सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी कहती है कि जेंडर डिफरेंस एक्चुअली कुछ नहीं है जो सोसाइटी ने बिल्ड करे हुए हैं वो हैं ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि देर इज नो सच थिंग एज नेचुरल जेंडर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेचुरल जेंडर जैसी कोई चीज होती है जितने भी जेंडर डिफरें हैं ये हमने सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखे हैं ठीक है वी हैव लर्न दीज थिंग्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन हमने जो देखा आसपास पास एग्जाम्पल देते हैं कई ऐसे थ्योरिस्ट कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है मेन एंड वुमेन में ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कौन क्या काम करेगा कौन किस तरह से काम करेगा ये कोई नेचुरल फिनमिना नहीं है बल्कि सोसाइटी ने हमें बना के दिया है तो मतलब सिंपल सी बात है अगर कोई काम आप देख रहे हो करते हुए तो फीमेल को सोसाइटी ने बोला है आप ये काम करोगे और मेल से ये एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की होती है आप ये काम करोगे सो so, ये बोलता है कि बायोलॉजिकली कुछ भी रिलेटेड नहीं है इट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी सो जब आप बात करोगे जेंडर डिफरेंस की आप इन दोनों थ्योरीज को हाईलाइट कर सकते हो उसके बाद आते हैं इम्प्लीकेशन फॉर जेंडर एंड सोसाइटी सो जेंडर डिफरेंस थ्योरी का कई इम्प्लीकेशंस हैं जब आप समझना चाहोगे जेंडर एंड सोसाइटी को वो सजेस्ट करता है देयर आर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर बायोलॉजी एंड देयर सोशल रोल्स यानी कि फंडामेंटल डिफरेंस है मैन और वुमेन के बीच में उनकी बायोलॉजी के टर्म्स में एंड उनके सोशल रोल्स के टर्म्स ठीक है एंड ये जो डिफ्रेंसिस हैं ना ये फिक्स्ड नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटेड हो रहे हैं और रीनेगोशिएटेड बार बार चेंज हो रहे हैं ये डिफरेंसेस बार बार इन पे वर्क हो रहा है चेंज किया जा रहा है ये चीज़ें दे कीप्स ऑन चेंजिंग ठीक है एंड जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो कई बार यूज़ करे जाते हैं जेंडर इनक्वालिटीज़ को डिफाइन करने में जस्टिफाई करने में कि ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जेंडर डिफरेंस है हमारा तो इसीलिए ये चीज़ गलत हो रही है तो कोई बात नहीं ये तो होता ही है इस तरह से नाउ अब हम लोग कुछ की एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जेंडर डिफरेंस थ्योरी के ठीक है आप इसमें से ऊपर वाले पार्ट को भी कवर कर सकते हो अगर क्वेश्चन लेंदी है और इनके की पॉइंट्स भी लिख सकते हो सबसे पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनेज्मिटरमिज्म तो उसमें से जो एसेंशियलिस्ट थ्योरी है जेंडर डिफरेंस थ्योरी की वो ये कहती है कि जो भी बायोलॉजिकल डिसिमिलैरिटीज़ है मेल एंड फीमेल में जो यानी बचपन से जो बायोलॉजी के मतलब जैसे मेल है या फीमेल है उसी की वजह से उनके इमोशनल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं मतलब कि हम जिस तरह से पैदा हुए जो भी डिफरेंसेस हैं ये बचपन से बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं एंड चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं ये भी हमारा इस बात से रिलेटेड है कि हम बाय बर्थ यू नो मेल या फीमेल पैदा हुआ ये पहली चीज़ है उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जेंडर रोल्स आर ऑफन सीमेस कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेज मतलब कि ये ऐसे रोल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे शुरू से हमारे अंदर है वो एग्जांपल जो मैंने दिया था क्योंकि वुमेन्स को हम लोग नर्चरिंग एंड केयरिंग मानते हैं क्योंकि बचपन में मतलब जब सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तब वुमेन यूज टू तो टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड मेल जो थे वो बहुत ही ज्यादा कम्पिटेटिव थे तो वो हाई लेवल ऑफ टेस्ट टेस्टस्टोरॉन था तो वो बायोलॉजिकली ऐसे हो गए क्योंकि वो यू नो नेचुरली जो जो चीज़ें सेलेक्टेड हुई वो हमारे अंदर गई री इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉम्स जेंडर डिफरेंस थ्योरी में री इन्फोर्स ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एंड स्टेटाइप्स पर एट्रीब्यूटिंग सर्टिन क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर एज नैचुरली और बायोलॉजिकली बिलोंगिंग टू वन जेंडर और अदर देखो कई लोग जो जेंडर डिफरेंस थ्योरी में सेंशलिज्म को प्रमोट करते हैं वो ये भी कहते हैं कि इससे ना हमारे जो नॉम्स हैं जो जेंडर रिलेटेड नॉम्स हैं कि ये काम करना है या फिर वो काम करना है वो हमारे अंदर इस चक्कर में आ जाएगा क्योंकि हम बायोलॉजिकली हमें ये चीज़ समझा दी गई कि ये बचपन से ही हमारे अंदर है ठीक है एंड इसकी वजह से इनइवालिटीज और यू नो लेस अपॉर्चुनिटीज होने के चांसेस है मतलब आपको बोल दिया कि आप तो बायोलॉजिकली फीमेल हो तो आपके अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो बहुत गलत है ठीक है लिमिटेड सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस दिस परस्पेक्टिव डाउन प्लेस द इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड कल्चरल फैक्टर्स इन शेपिंग जेंडर रोल्स एंड बिहेवियर इंसीट इट एजर्ट दैट बायोलॉजी इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ जेंडर डिफरेंस एंड दैट सोशलाइजेशन मेयरली रीनफोर्स प्री एक्जिस्टिंग इन टेंडेंसी बेसिकली ये कह रहा है कि आपका ये ना थ्योरी एक तरह से जो एसेंशियलिस्ट पार्ट है थ्योरी का वो ये कहती है कि भाई सोशल थ्योरी का तो कोई मतलब ही नहीं है सोशल इंट्रैक्शन का तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है क्योंकि सब चीजें डिपेंडेंट हैं बायोलॉजी पे यानी हमारे जो जेंडर डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं वो बायोलॉजी की वजह से हैं एंड बायोलॉजी इज द प्राइमरी रीजन ऑफ ऑल द डिफरेंसेस जो आप देख रहे हैं ठीक है ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एंड क्योंकि इसने एक्चुअली में इस थ्योरी इस थ्योरी ने जो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया ठीक है एंड ऑब्वियसली इसका अफेक्ट पड़ा है जेंडर इक्वालिटी पे क्योंकि आप अगर ऐसे ही बोल दोगे कि ये तो होता ही है क्योंकि बायोलॉजी ये है तो आपने ऑटोमेटिकली कितनी सारी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी दूसरे जेंडर के लिए कोई और पर्टिकुलर रोल लेने की है ना सो so, ये uh, इसने काफी यू नो कंट्रोवर्सी भी की है सो आई थिंक दैट इज इट आपको आई होप जेंडर डिफरेंस समझ में आ गया हो मेन चीज क्या है वो चीज समझनी थी कि वो बायोलॉजी पे फोकस किया गया मोस्टली असेंशियलिज्म को जो एसेंशियलिस्ट पार्ट है उस पर फोकस किया गया है जेंडर जेंडर डिफरेंस में नाउ अगर इसकी वी, और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है एंड इफ़ यू वांट टू यू नो लाइक कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा बट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे